कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा मतलब कहा जाए कि दूसरे के जैसे, अगर नहीं होगा तो दूसरे के जैसे कर लेना, एग्जांपल भी हो सकता है। और ये पेपर का है ना, 17 का सेटे का क्वेश्चन नंबर 17 है ना। चलो फिर बताओ राज, राज कॉट 45 की वैल्यू देख के नहीं बताना है, ऐसे बता दो। तो इसके लिए किसी किताब बंद कर दीजिए। 1/√3 बहुत बढ़िया मनु। एक कॉट 45 का मान एक होता है। यहाँ क्या लिखा, पावर 2 ना, तो 2 लगाएंगे। खुशी बताओ साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर। सुमित बताओ कॉस 30 का मान √3/2 √3/2 सेम। हाँ चलो ठीक है, चलो एक का स्क्वायर करना है। बताओ आदित्य कितना है? एक आएगा। 2×1 का 2 बार गुणा, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसे इसको भी दो बार लिखना है। लिख ही देता हूँ, क्या है कुछ लोग √3/2 को कितने बार, दो बार। माइनस फिर से इसको भी √3/2 को 2 बार, मतलब। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला देखो, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो दोनों ही कट गए, आगे समझ में। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आगे समझ में ना, जब जरूरी नहीं है इसलिए मैं थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ। 2×1 प्लस इसका इसमें इंटू होगा। बताओ साहिल √3 का √3 में इंटू कितना आएगा? कितना? 6 आएगा। बता सुमित √3 का √3 में इंटू एक बहुत तीन आएगा ना। और 2×2 में इंटू 4 ऐसे भी इसका भी 3/4 और दोनों ही कट गए ना, 0 तो कितना आया? 2 भाई संतान, या कि फिर डायरेक्ट ही दोनों कर देते तो आ जाता। आगे समझ में।